हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो भी अभी मैं हूँ गांव छेरना में और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। और सुबह अभी 5:30 बजे है सुबह के। तो ये देखिए, ये पीछे पुलिंग गांव दिख रहा है और यहाँ पे है छेरना गांव। ये देखिए, बहुत ही प्यारा गांव है। और अभी धूप भी लगी है तो उस वजह से इतना सुंदर व्यू जो है नहीं दिख रहा है। और हम ठहरे अनिशा के मायके, अभी घर बनाया है जस्ट। तो चलिए थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ियों में स्नोफॉल गिरा है जहाँ डहना सर भी जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए, यहाँ की ज़मीन और यहाँ के घर कितने प्यारे हैं फ्रेंड। ये देखिए, और स्नोफॉल आप लोग देख सकते हो। और इतनी ठंड है, इस टाइम मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है। और फुलिंग गाँव और सड़क भी गई है और प्रोजेक्ट भी बना है यहाँ पर, पानी का डैम। ये मैं आप लोगों को जाते जाते दिखाऊंगी। और यहाँ पे डॉगी भी है इतने सारे, तो यहाँ से भाग ही जाती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इनका, कब जैसे आ जाइए मेरे को खाने। ये देखिए, नाइट प्रोग्राम के बाद सीधा मैं आ गई थी यहाँ पे निशा की भाई जी के साथ गाड़ी में। मॉर्निंग वॉक अकेले ही, थोड़ा सा आगे से दिखाऊंगी आप लोगों को व्यू। यहाँ पे लगी है गाड़ी निशा के भाई की, पीछे वाली शायद किसी और की है। तो शाम को नाइट प्रोग्राम मेरा था तो निशा ने खूब हेल्प की लास्ट तक, मतलब रुकी वो मेरे लिए। और यहाँ पे देखिए, रई तोस जो बोलते हैं उसी के पेड़ है और इसकी लकड़ी बहुत बेस्ट होती है घर बनाने के लिए। और यहाँ से देखिए व्यू बहुत ही प्यारा। अभी धूप नहीं लगी है फ्रेंड, तो नहीं दिख रहा है ना। तो फिर मैं चली जाऊँगी अपने मायके, तो सोचा अभी दिखा देती हूँ थोड़ा सा बाद में, टाइम मिले ना मिले। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट काम लगा था थोड़े दिन पहले, अभी पानी नहीं डाला गया है। जाते जाते दिखाऊंगी थोड़ा सा आप लोगों को जब जाऊंगी, और जितना हो सकेगा और माइके का भी करूंगी थोड़ा सा शेयर, क्योंकि शाम को वापस होना है 4 बजे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। आदी बस बेटे हाथ पर कर, आदी हाथ पर कर दे, देखने दे। आदी ये देखो छोटा जैसा बच्चा, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का। 5 महीने, 5 महीने, 5 महीने रहे, 5 महीने का आदी है ये। ये देखिए फ्रेंड, अभी जो है धूप लग गई है और यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत 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 प्यारा है। मतलब जितनी तारीफ करें उतना कम है। आप लोगों को पता है ब्रोट वैली के जितने भी इलाके हैं वो सभी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं देखने में। और जब मैं आई थी पोलिंग, तो इस रास्ते से आई थी पोलिंग गांव से होके, फिर गए थे हम डायनासर। डायनासर इन पहाड़ियों के पीछे पड़ता है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा है गाइस, सच्ची में मेरे तो मन ही बस जाता है जहाँ भी जाती हूँ ऐसे नेचुरल जगह देख के। ऐसे लग और यहाँ पे बेचारी निशा बर्तन साफ कर रही थी और मनीषा भी बैठी थी, मनीषा भी धो रही थी। हेलो, हाँ तो खाया हमने और बर्तन बेचारी निशा साफ कर रही है। तनिश हाय हाय, कदो आए कदो, हाय हाय जशु 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 हाय हाय। अदिति किसका नाम है? अदिति आपका? जश्वी किसका नाम है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो,
हाथ खड़ा करो, दोनों नहीं, दोनों कोई नहीं, एक करो जिसका नाम है जैस्मिन वही करो, जैस्मिन नाचो। तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, ये मिला सिर्फ सुनील की वजह से, जो प्रधान है बजलिंग गांव से, मतलब उनकी वजह से मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर पाई, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका और पूरी मेला कमेटी के जितने भी मेंबर थे, थैंक यू आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और बहुत अच्छा रहा मेरा प्रोग्राम। निशा के माइकी आई थी तो यहाँ पे मुझे एक ऐसे शख्स मिले हैं जो मतलब देख नहीं सकते हैं फिर भी ऐसे ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ही टफ ज़िंदगी, और इतना संघर्ष करते हैं और बिना आँखों के सरकारी जॉब करते हैं। तो किसी को अगर जीना सीखना है तो इस इंसान से सीखना, और कितनी भी मुश्किल आए ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ इस छोटे भाई से कि ये अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जी रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड है सुनीता सरमान से, उसके छोटे भाई है, तो चलिए मिलवाती हूँ, और कहाँ पे पढ़ाई की है उसने और क्या जॉब करता है, मैं सब आप लोगों को दिखाऊँगी बताऊँगी और उनसे मिलवाऊँगी। तो चलिए मिलवाते हैं आप लोगों को। तो चलिए गाइस इनसे मिलिए, ये है रमेश ठाकुर, ये मेरी फ्रेंड के छोटे भाई है सरमान से, और ये आप लोगों को कुछ बताएंगे अपने बारे में, ये बिना आँखों के मतलब कैसे जी रहे हैं, आंखें नहीं हैं इनकी। तो चलिए इनके मुंह से सुनते हैं मतलब इनकी खुद की इंट्रोडक्शन कि कैसे मतलब ये कर रहे हैं। शोभा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज इन्होंने मुझे मेरी लाइफ के बारे में सबको मतलब जानने के लिए मतलब ये प्रेरित किया कि मतलब मुझे, क्योंकि मतलब मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ है, टफ भी नहीं है क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत करे तो बहुत कुछ बिना आँखों के, बिना हाथों के और बिना पैरों के भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बस सिर्फ हिम्मत ही होना चाहिए। और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क जॉब करता हूं, और मैंने देहरादून NIBH में पढ़ाई की, और मैंने PWD सुंदरनगर में ITI का कोर्स किया, और उसके बाद मैं DC ऑफिस हमीरपुर में मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी, और मैं वहां से ट्रांसफ़र होकर अपने लोकल इलाके मुल्तान में एज ए क्लरिकल जॉब करता हूँ, ब्रोड वैली। हाँ जी, हाँ जी, ब्रोड वैली में। तो मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ, और यहाँ पे माइक ख़राब होने की वजह से मेरी वॉइस नहीं आई, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि भगवान से मैं यही चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहो। आंखें तो हम दे नहीं सकते हैं, पर इतना दिलासा दे सकते हैं कि आप बहुत आगे तक जाओगे। क्या मैं चुपचाप रोटियाँ दो पर नहीं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्योंकि अगर हमको कोई पीछे से हिम्मत दे तो हम आसमान भी छू सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। Hadi bayım, buradayım.
और अभी हम पहुंचने वाले थे मतलब मुल्तान में, और यहाँ पे यहाँ से जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, मेरा बेटा बोलता है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ है इधर मम्मी, तो देखिए सच्ची में और अभी हम जो है लंबाड़क के पास पहुंचने वाले थे, और लंबाड़क के पास पहुंच के पीछे को जाता है मतलब बड़ेग्राम साइड जो जाता है, ये देखिए लंबाड़क पुल, ये पीछे पानी जो है लोहाड़ी से आ रहा था, और यहाँ पे होते हैं 15 अगस्त के मेले। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप लोग अपना।